नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। रोजाना की तरह हम फिर से आज रहे हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशिफल लेकर, जहां हम आपको बताते हैं कि आज का दिन आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बता दें आपको कि राशिफल का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व होता है, बहुत महत्व होता है राशिफल का हमारे जीवन में। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं होती। आज 31 मार्च बुधवार का शुभ दिन है और आज भगवान गणेश जी की कृपा कुछ राशियों पर विशेष तौर पर रहने वाला है, जिससे इनका भाग्य खुल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। चलिए बताते हैं आपका राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नई जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम रहेंगे, आपकी प्रतिभा उभर कर आएगी, विद्यार्थी सही दिशा में प्रयास करेंगे तो बेहतरीन सफलता मिल सकती है, किसी प्रियजन से उपहार पाकर हार्दिक खुशी मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि, वृष राशि वालों के लिए आज के दिन किस प्रकार से है? आपके विचार कार्य रूप में परिणित होंगे, अपने अनुभवों से प्रेरणा लेकर आप एक सुंदर भविष्य की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, रचनात्मक कार्य में दिलचस्पी बढ़ेगी, समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अगली राशि, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? घर में मांगलिक कार्यों संबंधी कोई योजना बनेगी, पिछले कुछ समय से चल रहे आपसी तनाव दूर होंगे तथा मानसिक रूप से सुकून अनुभव करेंगे, आय और व्यय में भी उचित तालमेल बना रहेगा, परिवार के साथ शॉपिंग में भी उचित समय व्यतीत होगा, कार्य क्षेत्र में वित्तीय मामलों को गंभीरता से पूरा करने का प्रयास करें, कर्मचारियों तथा स्टाफ के सुझाव का खुले दिल से स्वागत करें, इससे आपके कारोबार में विस्तार की उचित संभावना बनेगी, ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ टीम वर्क में कार्य करें तो उचित रहेगा, घरेलू मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें, सबको अपने मन मुताबिक स्वतंत्रता देना भी जरूरी है, प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना जरूरी है, पेट से संबंधित रोग परेशान करेंगे, समय रहते अपना चेकअप कराएं तथा उचित इलाज लें, योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? लाभकारी समय है, कहीं से खुशखबरी मिलेगी, वाहन या भूमि की खरीदारी भी संभव है, सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, बच्चों को अपने माता पिता से पूरा सहयोग और संबल मिलेगा, किसी धार्मिक स्थान पर भी जाने का मौका मिल सकता है, कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा तथा आपके द्वारा सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा, बच्चों को अपने माता पिता से पूरा सहयोग और संबल मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा तथा आपके द्वारा लिए गए फैसले के उचित परिणाम भी हासिल होंगे, जॉब में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, इस समय उच्च अधिकारियों की मदद आपके लिए बेहतर साबित होगी, पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन में और अधिक नजदीकियां बढ़ेगी, विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ ज्यादा मेलजोल ना बढ़ाएं, माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, ज्यादा मानसिक तनाव ना लें, योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? दैनिक कार्यों को सरलता व सुगमता से पूरा करने का प्रयास करेंगे, घर के नवीनीकरण व अच्छे रखरखाव संबंधी गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत होगा, आप अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी व्यक्तिगत कार्यों को बखूबी पूर्ण करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अपने निजी सपनों तथा महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रयत्न करने का उचित समय है, किसी नए कार्य को शुरू करने संबंधी भी योजनाएं बनेगी, परंतु जॉब में कोई बाधा आने से मन उदास रहेगा, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बेहतरीन रहेगा तथा घर की व्यवस्था को उचित तथा व्यवस्थित बनाकर रखेंगे, प्रेम संबंध मर्यादा पूर्ण रहेंगे, बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक मेहनत की वजह से थकान और तनाव हावी रहेंगे, कुछ समय योगा और मेडिटेशन के लिए भी अवश्य निकालें, योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है? किसी नजदीकी मित्र का सुझाव व सलाह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, यह समय आपके लिए उन्नतिदायक है, इसका उचित सहयोग करें, सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान बना रहेगा तथा आप स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे, व्यवसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है, आपको उचित सलाह तथा सुझाव भी मिलेंगे,
मीडिया, कंप्यूटर इत्यादि जैसे व्यवसाय में बेहतरीन सफलता मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को कोई ऑफिशियल ट्रैवल भी करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के बीच प्रेम भाव बना रहेगा तथा घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। जोड़ों तथा घुटनों का दर्द परेशान करेगा। वायु और बादी वाली चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें तथा फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। यह समय सुखदायक तथा बहुत ही अच्छा है। आपको अपनी व्यस्तता के उचित परिणाम भी हासिल होंगे तथा जीवन बहुत ही सहज व सरल प्रतीत होगा। दूसरों से आगे निकलने की चाहत आपके आत्मबल तथा कार्य क्षमता को बढ़ाएगी। इस समय आपके मन में भी सपने अथवा कल्पनाएं हैं, उन्हें साकार करने का उचित समय है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं। जॉब के लिए प्रयासरत युवाओं को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, इससे संबंधों में नजदीकियां आएंगी। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अधिक अनुकूल नहीं है। इस समय अपनी खान पान तथा दिनचर्या में किसी भी प्रकार की लापरवाही करना स्वास्थ्य संबंधी आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है। योगा व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ज्यादा तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। यह समय कुछ मिला जुला प्रभाव देने वाला है। अपने मनपसंद कार्यों को अहमियत देने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा। घर में साफ सफाई तथा सुधार संबंधी कार्यों में भी आपकी मदद रहेगी। किसी प्रियजन के साथ मिल बैठ कर अपनी बातों को शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से। अपने बच्चों को हर उत्तम वस्तु उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा बच्चों को शिष्टता और संस्कार देने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। भविष्य के लिए नई नई योजनाएं बनेगी। आपका ईश्वर के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। आज आप स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। कठिन परिश्रम द्वारा किसी भी परेशानी से निकलने में सक्षम रहेंगे। घर में मेहमानों की आवाजाही से खुशनुमा वातावरण रहेगा तथा आप किसी भी कार्य को एक खास अंदाज में करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। पिछले कुछ समय से चल रही पारिवारिक समस्याओं को धैर्य और संयम से सुलझाने में सक्षम रहेंगे। आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा घर तथा व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बनाकर रखेंगे। खर्चों में संतुलन रखकर सेविंग भी होगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि मीन राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार से है। इस समय आपके किसी विशेष उपलब्धि की वजह से घर और संबंधों में मान सम्मान बढ़ेगा। आप किसी भी पारिवारिक समस्या को अपनी सूझबूझ व सामंजस्य द्वारा संभाल लेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट से और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट मैन स्पेशल रिपोर्ट।